आज मुंबई पहुंचेंगे ममता बनर्जी, उद्योगपतियों को बंगाल में होने वाली बिजनेस समिट का न्योता देंगी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बैठक, सीएम केजरीवाल करेंगे आज समीक्षा बैठक। धरने पर बैठे केजी धरने पर बैठे केजीएमयू के जूनियर डॉक्टर्स, नीट काउंसलिंग में हो रही देरी से नाराज। भारतीय मूल पराग अग्रवाल बने ट्विटर के नए सीईओ, प्रोफाइल की अपडेट। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार, सुबह 10 बजे विपक्ष के दलों की बैठक होगी। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश और दुनिया में दहशत का माहौल है, वहीं इसको लेकर केंद्र और तमाम राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर सभी जिलों को आवश्यक तैयारी करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें जरूरी प्रोटोकॉल सख्ती से फॉलो करवाने के ऑर्डर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जहां कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया गया है, जैसे अफ्रीका से आने वाले कोविड 19 मरीजों को एक अलग आइसोलेशन फैसिलिटी और आइसोलेट किया जाए, और साथ ही साथ निर्धारित प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका इलाज और कंटेनमेंट ट्रेसिंग की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों को सतर्कता से काम करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में इस नए वेरिएंट को लेकर लखनऊ समेत सभी जिलों में विदेश से आने वाले करीब लोग, जितने भी लोग हैं, उनकी बारीकी से जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। राम मंदिर निर्माण समिति की सर्किट हाउस में चल रही पहले दिन की बैठक संपन्न हो गई, जहां बैठक राम मंदिर निर्माण के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य विमलेंद्र मोहन मिश्र, सदस्य अनिल मिश्र, टाटा कंसल्टेंसी और LNT के एक्सपर्ट भी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में राम मंदिर निर्माण के लिए कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है, ऐसा इसलिए क्योंकि 70 एकड़ के मास्टर प्लान पर बैठक में चर्चा की जाएगी। मंदिर निर्माण समिति की बैठक संपन्न होने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक भविष्य की योजना पर चर्चा हुई। भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई है, और भविष्य का अर्थ है जो काम हो चुका उसके बाद जो हो रहा है और जो भविष्य में होना है। तो जो हो रहा है और जो भविष्य में होना है, इस पर अधिक चर्चा हुई। मेटीरियल कितना आना है, कितना आ गया, कौन सी स्टेज पर कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, ये बार बार रिव्यू करना पड़ता है। दूसरी बात, 70 एकड़ का लैंडस्केप कैसा होगा, प्लांटेशन कैसा होगा, ऐसी बातों पर। जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखंड मितौली के बाबू रामेश्वर दयाल डिग्री कॉलेज में मंडल प्रवासी योजना बैठक का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर की अध्यक्षता में बैठक संपन्न की गई, जिसमें सर्वप्रथम मंत्री का भाजपा प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर और कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर माल्यार्पण किया, जिसके बाद उन्होंने मंच से जनता को संबोधित किया और कहा कि हम देश को मजबूत तब तक कर सकते हैं जब छोटे गांव के लोग सुखी होंगे और गांव के लोग बढ़ेंगे, तभी देश आगे मजबूती से बढ़ेगा।
सोनभद्र के विंडमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्र और छात्राओं के साथ थाना अध्यक्ष सूर्यभान ने यातायात सुरक्षा माह के तहत एक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान छात्र छात्राएं ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से यात्रा सुरक्षा पर नारे लगा रहे थे। स्पीड पर लगाम, दुर्घटना पर विराम, आपका भविष्य आपके हाथ, हेलमेट सदा रखे साथ, सुरक्षा के साथ समझौता, दुर्घटनाओं को न्योता, दुर्घटना से रखनी दूरी तो हेलमेट है जरूरी, वाहन नियंत्रित गति में चलाएं, जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाए के साथ नारों के साथ स्कूल के प्रांगण से ये रैली निकलकर महुअरिया रेलवे स्टेशन से लेकर कई जगह पर रैली से पूरा इलाका गूंज गया। वहीं आने वाले दो चक्के के वाहन, चार चक्के के वाहन और बड़ी गाड़ियों को रोककर समझाने का काम भी किया गया। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के कस्बा जट्टारी क्षेत्र में सड़क पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि बाईपास कजरार रोड के पास युवक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लगभग 8 साल से अपने मकान में रहता था। रिंकू ट्रक चलाने का काम करता था। उनकी पत्नी पूनम ने बताया कि रिंकू ने सुबह गाड़ी से जाने की बात कही थी। शाम को भी फोन पर पूनम ने अपने पति रिंकू से बात की थी। वहीं रिंकू का शव अलीगढ़ पलवल मार्ग पर बिजली घर के पास सड़क पर पड़ा हुआ मिला, जिसकी जानकारी कुछ लोगों ने कंट्रोल रूम में दी और सूचना देकर पुलिस को बुलाया। तो अलीगढ़ से एक खबर सामने आ रही है, जहां युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक की पत्नी का कहना है कि सुबह और शाम दोनों ही वक्त उसने अपने पति से बात करी और अचानक ये खबर उसको मिली कि उसके पति का शव मिला है सड़क किनारे। आपको बता दें कि कुछ लोगों ने शव को रास्ते पर पड़ा हुआ पाया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को भी इसकी जानकारी दी गई। मामला फतेहपुर जनपद के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के कुंदनपुर गांव के पास का है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित बुलेरो की टक्कर से ई रिक्शा सवार एक अधेड़ की मौत हो गई, जबकि ई रिक्शा चालक समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बोलेरो की टक्कर से अधेड़ की मौत हो गई। आपको बता दें कि ई रिक्शा को टक्कर मारी, जिसके बाद अधेड़ की मौत हो गई है। फतेहपुर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है और इस खबर पर हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमरदीप जुड़ चुके हैं। अमरदीप, किस तरह हुआ ये हादसा, क्या है पूरा मामला? जी, ये मामला फतेहपुर जनपद के बिंकी कोतवाली क्षेत्र कुंदनपुर गाँव के पास का है, जहाँ पर जो है एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बगल से जा रही ई रिक्शा को टक्कर मारी है, जिसमें एक अधेड़ की मौत हो गई है और इसमें जो है 3 लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें चालक भी घायल हुआ है जी। और जैसे ही ये टक्कर हुई है वैसे ही कोहराम मच गया है। ग्रामीणों ने जो है उनको घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया है। बात को पुलिस पहुंची है पर किसी भी व्यक्ति ने जो है बोलेरो का नंबर नहीं देख पाया, जिससे कि उसकी तलाश की जा सके जी। तो क्या कोई सीसीटीवी कैमरे में इस तरह की घटना कैद हुई है, जिससे बोलेरो का पता लगाया जा सके? देखिए, ऐसा है कि ये बिल्कुल रूरल क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध नहीं है जी। और न ही कोई ग्रामीण चीज को बता पा रहा है, पर इतना जरूर देखा है कि तेज रफ्तार बोलेरो ने ये रिक्शा को टक्कर मारी है जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अमरदीप जुड़े थे फतेहपुर से। मिर्जापुर बस अड्डे पर एक यात्री के शोर मचाने पर युवक को पकड़ा गया, जिसने एक यात्री की मोबाइल चोरी कर अपने साथी को सौंपा था। लोगों के पकड़ने पर एक युवक फरार हो गया, जबकि दूसरा पकड़ा गया, जिसका हाथ पैर रस्सी से बांधते हुए चालक की सीट के पीछे बांध दिया गया, ताकि वो फरार ना हो सके। बता दें कि बस अड्डे पर ही 7 बार पर्स और मोबाइल चोरी में पकड़े गए युवक को पुलिस बुलाकर सौंपा गया। इनका मामला यह है कि हमारी गाड़ी में जब बहुत भीड़ होती है तो ये पीछे से जाते हैं, मोबाइल मार देते हैं, सबका पर्स मार देते हैं। इनको हम रंगे हाथ पकड़े हैं, आज रंगे हाथ पकड़े हैं, एक दूसरे को मोबाइल पकड़ाते हुए देखे हैं।
और ऊपर से अभी बोला जा रहा है दिलाने साहब लोग को। अभी 112 नंबर पे फ़ोन किया गया था कॉलर के द्वारा, तो हम लोग आए यहाँ पे तो बताया गया कि कोई मोबाइल वोबाइल चोरी हुई है, तो उन्हीं के माध्यम से हम लोग इसको ले जा रहे हैं थाना, विधिक कार्रवाई की जाएगी आगे की जो होगा। कटरा कोतवाली है? हाँ हाँ, कटरा कोतवाली। मोबाइल बरामद हुआ? अभी कहाँ, अभी तो कुछ नहीं बरामद हुआ है ना, अभी यही बताएंगे ना। जा रहे हैं बरामद होने, मोबाइल मिल जाएगा। बातचीत के लिए संवाददाता संतोष जुड़ चुके हैं मिर्जापुर से। संतोष, कहां पर ये चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे चोर? ये मिर्जापुर का बस स्टेशन है, यहां पे जो है यात्रियों के साथ जो है मिलकर ये लोग मोबाइल चोरी का काम पिछले कई महीनों से कर रहे थे जी। बस और कंडक्टर लगातार शिकायत मिल रही थी उनको कि हमारा कभी पर्स चोरी हो जाता है यात्रियों का, तो कभी जो है मोबाइल चोरी हो जाती है, कभी बैग चोरी हो जाती है जी। ऐसे में ड्राइवर और कंडक्टर लगातार निगाहें बनाए हुए थे, और एक बार जो है परसों की घटना है, एक चोर और पकड़ा गया था, और कल जी जो है बस और कंडक्टर ने अपनी सामने वाली जो शीशा लगा होता है जो पीछे उनको पूरा दिखाई पड़ता है उसकी माध्यम से उसने अपना दिमाग लगाया और चोरी करके भागते हुए कंडक्टर ने जो है उसको पकड़ा, और एक जो है चोर फरार हो गया। दो चोर बस में सफर करके दौरान जो है यात्रियों के साथ हमेशा जो है बैग और पर्स और मोबाइल खासतौर से उनका जो है टारगेट होता था कि महंगे महंगे मोबाइल चोरी करके बाजारों में बेचा करते थे और अपनी जो है चोर का काम चलाते थे। लेकिन ये दो कल जो है पकड़े गए, और इनको पब्लिक के साथ साथ जो है बस की कंडक्टर और ड्राइवर ने अभी पीटा है, उनको सबक सिखाया है जी। बस के अंदर ही रस्सी से बांध के उनको जो है काफी मारा और पीटा, फिर उसके बाद 112 पर पुलिस को बुलाकर उनको सुपुर्द किया है। पुलिस ने जो है चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको थाना कटरा कोतवाली में जो है बंद कर दिया है जी। संतोष, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस बस में इस चोर को पकड़ा गया है वो किस रूट पे जा रही थी? वो बस मिर्जापुर से शक्ति नगर की तरफ जा रही थी, जो है शक्तिनगर सोनभद्र का इलाका है, वहाँ पे जो है डेली बस जो लोग जाते हैं उनके साथ जो है चोरों ने हमेशा अंजाम दिया करता था, जो है कभी बैग, कभी पर्स, कभी जो है मोबाइल। यात्री परेशान रहा करते थे, इसकी शिकायत बस कंडक्टर को, ड्राइवर को और बस संचालक को किया करते थे जी। तो उस मुहिम के तहत जो है चोर को कल पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है जी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ मिर्जापुर से संवाददाता संतोष जुड़े थे। जनपद संभल की चंदौसी में चल रही पेठा फैक्ट्रियों पर खाद्य विभाग द्वारा डंडा चलाया गया है। सभी फैक्ट्रियों के लाइसेंस 14 दिन के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदौसी का है, जहां पर कुछ दिन पूर्व पेठा फैक्ट्री में जानवरों के द्वारा पेठा खाए जाने की खबर समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर प्रकाशित हुई थी, जिसमें संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया था। खाद्य विभाग की टीम पेठा फैक्ट्री पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस 14 दिन के लिए निलंबित करते हुए उन्हें पाई गई कमियों को दूर करने के लिए भी कहा, और इस विषय में खाद्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्रियों में प्रमुखता सफाई व्यवस्था नहीं पाई गई, साथ ही यहां पर भट्टियों को चलाने के लिए लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है जिससे प्रदूषण होता है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार दो दिनों के बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ हवा 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में 2 और 3 दिसंबर को हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिसंबर तक पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहेगा, लेकिन 3 दिसंबर से मौसम में बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ कारण मौसम में ये बदलाव दिखेगा। इस बारिश की वजह से ठंड में इजाफा होगा, तो छाई हुई धुंध छट सकती है। यूपी के कई शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में है, हालांकि बीते कुछ समय से कई शहरों में राहत मिली है।
उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।